नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल तुरंगिया में आपका स्वागत है। आज हम मणिपुर के राज्य में सेनापति की छिपी सुंदरता को उजागर करने जा रहे हैं। सेनापति हर किसी के रडार पर नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, ये अद्भुत तत्व का खजाना है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। और यदि आप एक प्राकृतिक प्रेमी है तो घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक है। मणिपुर राज्य के उत्तरी भाग में स्थित ये पूर्व में उखरुल जिले और पश्चिम में तामेंगलोंग जिले से घिरा है। पूर्वोत्तर के अधिकांश अन्य स्थानों की तरह इस जिले और शहर ने प्राकृतिक सुंदरता को अपने सबसे अच्छे रूप में संरक्षित किया है। कई समुदाय सेनापति जिले और शहर की आबादी बनाते हैं और उनमें माओ, तांगखोल, मारम, कुकी, जमेई, वेफे, चिरू, चोते और मेते शामिल हैं। इसलिए सीट बेल्ट लगा ले, क्योंकि हम सेनापति के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य को उजागर करने के लिए एक रोमांचक यात्रा शुरू कर रहे हैं। फैक्ट नंबर एक, एक नायक की विरासत। क्या आप जानते हैं कि सेनापति का नाम एक बहादुर योद्धा के नाम पर पड़ा है? सेनापति या मणिपुर सेना के कमांडर इन चीफ तिकंदरजीत सिंह ने ब्रिटिश आक्रमणकारियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। सेनापति का नाम इस बहादुर व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसने आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। फैक्ट नंबर दो, प्राचीन काल की फुसफुसाहट। लियाखुलिन का गाँव, जिसका अर्थ है समुद्रों के लोग, प्राचीन पत्थर के खम्भे और जटिल पानी के पुल समेटे हुए है, जो 500 वर्षों से अधिक पुरानी एक शानदार सभ्यता की कहानियों को फुसफुसाते हैं। फैक्ट नंबर तीन, बराक का पालना। कभी शक्तिशाली बराक नदी के बारे में सुना है? खैर, अनुमान लगाओ कि यह सब कहां से शुरू होता है। हाँ, सेनापति लियाखुलिन गांव की गरगराहट की धाराएं अंततः इस जीवनदायिनी नदी का निर्माण करने के लिए विलीन हो जाती है, भूमि का पोषण करती है और सेनापति के जादू की फुसफुसाहट को नीचे की ओर ले जाती है। फैक्ट नंबर चार, प्रकृति का खेल का मैदान। सेनापति आपका खेल का मैदान है। हरी भरी पहाड़ियों के माध्यम से ट्रेक करें और बड़े पैमाने पर झरने और वसंत के दौरान जीवंत फूलों के साथ कालीन से घिरे मंत्रमुग्ध करने वाले जीको घाटी और थारन गुफा देखें। फैक्ट नंबर पाँच, क्या आप जानते हैं कि सेनापति सिरोही लिली का घर है? एक दुर्लभ फूल जो हर 14 साल में केवल एक बार खिलता है। सेनापति और उसके आसपास घूमने की जगह है। प्राकृतिक सुंदरता और परिदृश्य से धन्य सेनापति शहर में और उसके आसपास देखने और तलाशने के लिए कई दिलचस्प स्थान है। आइए इन जगहों को बारे में और जानें। यांगखुलिन गांव सेनापति शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है और आदिम जमे जनजाति का घर है। ये गांव एक चट्टानी ढलान पर बनाया गया है और इस खुलेन यानी गांव की यात्रा आपको समय पर वापस ले जाएगा, क्योंकि यहां के लोग अभी भी बाहरी दुनिया से अछूते हैं। यहां के लोगों के पारंपरिक सामाजिक और आर्थिक जीवन को आज भी देखा जा सकता है। ये पारंपरिक सदियों बाद भी कायम है। कलाकृतियों को बनाने के उपकरण और ज्ञान पीढ़ियों से पीढ़ी किए गए हैं। पूरा गांव एक बड़े परिवार की तरह है और उसी के अनुसार काम साझा किया जाता है। इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता आपको इसके प्यार में पड़ जाएगी। लियाखुलिन, लियाखुलिन सेनापति से लगभग 47 किलोमीटर एक और छोटा सा गांव है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार ये गांव 500 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। ये सेनापति के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। कई पत्थर के खम्भे इस गाँव के गौरवशाली अतीत की बात करते हैं। बराक नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो यहाँ से बहती है। इसके अलावा विभिन्न पानी के पुल और वास्तव में पुरानी बरगद के पेड़ है। माओ, माओ मणिपुर का प्रवेश द्वार है। ये सेनापति शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित, जिसे माओ गेट भी कहा जाता है। इसने सेनापति जिले के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों के लिए राज्य खोल दिया है। ये राज्य का सबसे व्यस्त वाणिज्यिक शहर भी है, क्योंकि मणिपुर के अधिकांश व्यापारिक मार्ग यही से होकर गुजरते हैं। इस शहर में विभिन्न प्रकार की जनजातियां हैं जो पूरे मणिपुर और उसके पड़ोसी राज्यों से आती है। समुदायों की इस विविधता के कारण ये शहर आपको देखने के लिए कई तरह की चीजें देगा। मखेल, मखेल मणिपुर और नागालैंड की आदिवासी लोगों के कई समुदायों के लिए एक भक्ति स्थल है। ये कई ऐतिहासिक स्मारकों का घर है और सेनापति से कुछ ही दूर पर है। ये जिले में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगह है। यह बरगद के पेड़ों को पवित्र माना जाता है, क्योंकि किंवदंतियों के अनुसार वे नागा माता की कब्र से विकसित हुए हैं। फेयरवेल मनोलिथ और ट्रायो मनोलिथ इस जगह के दो और प्रसिद्ध स्मारक है। साधु चिरू झरना, चट्टानों से आच्छादित और हरियाली से घिरा हुआ साधु चिरू झरना
झरना सभी पैदल और वृद्धि के लायक है। सेनापति शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर यह झरना एक परम आनंद है। पुरुल, हालांकि सेनापति से कुछ दूरी पर स्थित पुरुल जिले का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। यह आपको मणिपुर की जीवंत परंपराओं की झलक देगा। इसमें कई मनमोहक खूबसूरत जगह भी है जो आपके दिमाग पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी, जहाँ कुश्ती और टोटू बहुतायत में खेले जाते हैं। ये पूरे देश से एक महान दर्शकों को आकर्षित करता है। मई में कुश्ती करते समय नए साल के दौरान टोटू खेला जाता है। जीको घाटी, जीको घाटी मणिपुर के सेनापति जिले और नागालैंड के कोहिमा जिले के बीच स्थित है और बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी खींचती है। सेनापति मणिपुर सिर्फ एक शहर से अधिक है, ये एक अनुभव है। इसके ऐतिहासिक गूंज से लेकर इसके लुभावने परिदृश्य और जीवंत संस्कृति तक सेनापति सभी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। धन्यवाद।